Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in today's class we are going to do the comprehension, chapter 8, comprehension, comprehension, comprehension. So comprehension का मतलब क्या होता है? Comprehension एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है और स्टोरी से रिलेटेड दिए गए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना होता है. ओके आपकी स्टोरी 1 पैराग्राफ, 10 लाइंस, 15 लाइंस की हो सकती है, मैक्सिमम 10 लाइंस एज यू आर अ वेरी स्मॉल चिल्ड्रेन. सो आपको उसको बहुत ध्यान से रीड करना होता है, समझकर उसके क्वेश्चन आंसर्स, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी एक्सरसाइज दिया जाए उसको सॉल्व करना होगा. ओके सो चलिए हम आपके प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 8A यहाँ पे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल रीड द स्टोरी गिवन. ओके रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. सो नीचे दिए गए पोएम को बहुत अच्छे से रीड करिए और क्वेश्चन के आंसर लिखिए, ऐसा कहा गया है. सो चाइल्ड, यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है. कॉन्वर्जेशन मतलब दो व्यक्तियों के बीच में बातें चल रही हैं. सो फर्स्ट चाइल्ड, किसके बीच में दो बातें चल रही हैं यहाँ पे? बच्चे और उसके मम्मा के बीच, चाइल्ड एंड मदर. सो पहला किसने बात शुरू की? चाइल्ड. सबसे पहले बच्चा बोलता है, My stomach is paining just now. So बच्चे ने कहा, मेरा पेट दुख रहा है अभी. ओके अभी मेरा पेट दुख रहा है. Call the doctor just now. So डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी, डॉक्टर को बुलाओ. ऐसा बच्चा गाते गाते अपनी मम्मा से बोल रहा है. सो मम्मा, अब मदर क्या कहती हैं? What's the matter just now. सो मम्मा ने भी बड़ी ही मस्ती में गाते हुए पूछा, क्या हुआ है? What's the matter, क्या बात है, क्या बात हो गई अभी के अभी. ओके जस्ट नाउ मतलब अचानक से, अभी क्या हो गया. चाइल्ड, I swallowed a peanut just now. So बच्चे ने कहा, मैंने एक पीनट खा लिया. पीनट को स्वेलो कर लिया. स्वेलो मतलब किसी चीज को चबाए बगैर हम उसको स्वेलो, गले में उतार लेते हैं. ओके सो आई स्वेलोड अ पीनट. पीनट मतलब फली. सो उसने सीम के दाने को गले में डाल लिया है. The doctor comes and examines the child. So मम्मा ने डॉक्टर को बुलाया. So डॉक्टर आए और उन्होंने चाइल्ड को एग्जामिन किया, मतलब चेकअप किया. डॉक्टर, अब डॉक्टर बोलते हैं, Case is serious just now. So डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, अरे केस तो बहुत सीरियस है, मामला बहुत सीरियस है. Operation just now. So डॉक्टर ने एग्जामिन करके कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा. ऑपरेशन अभी के अभी ऑपरेशन. Here's the peanut just now. So ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने पीनट दिखाया. ये नहीं पीनट, देखो ये रहा जो तुमने अभी खा लिया था. No more peanuts just now. So ऑपरेशन करके डॉक्टर ने तो पीनट निकाल दिया है और वह कह रहे हैं अब तो पीनट्स नहीं है. नो मोर पीनट्स, अब एक भी पीनट नहीं है. ओके मदर, थैंक यू डॉक्टर जस्ट नाउ. सो मम्मा ने डॉक्टर को बहुत बहुत शुक्रिया कहा. थैंक यू. चाइल्ड, Bye bye doctor for now. So बच्चे ने भी खुश होकर डॉक्टर के लिए कहा बाय बाय. ओके सो आपको समझ में आया पोएम में क्या कहा गया है? एक चाइल्ड है जिसको अचानक से पेट दुखता है और वो अपनी मम्मा से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ. सो मम्मा पूछती है, क्यों, क्या हुआ अचानक तुमको? सो डॉक्टर को बुलाती है मम्मा. डॉक्टर चेक करते हैं बच्चे को. सो डॉक्टर कहते हैं, अरे बहुत भयंकर बात है, सीरियस बात है. सो ऑपरेशन करना पड़ेगा. सो वो ऑपरेशन करके पीनट निकाल देते हैं और कहते हैं अब कोई भी पीनट नहीं है पेट में. सो
मम्मा डॉक्टर को थैंक्स करती है और बच्चा भी डॉक्टर को थैंक्स करता है. सो समझ आ गया आपको कैसे पढ़ना है. नेक्स्ट, अब लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहां पे दिए गए हैं. व्हाट वाज द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम. सो व्हाट वाज द चाइल्ड सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम, FROM, फ्रॉम. क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम थी, वह किस चीज से बीमार था. ओके सो हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लेंगे. द चाइल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम, ऐसा हम क्वेश्चन में से ही थोड़ा लेंगे. द चाइल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन. सो बच्चा पेट दर्द से गुजर रहा था. ओके पेट दर्द से बीमार था, ऐसा आंसर का मतलब बनेगा. ओके चिल्ड्रेन, द चाइल्ड वॉज सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम, FROM, फ्रॉम स्टमक पेन, STOMACH, स्टमक, PAIN, पेन, स्टमक पेन. स्टमक मतलब पेट, पेन मतलब दर्द, पेट दर्द. ओके नाउ नंबर टू क्वेश्चन, व्हाट हैड द चाइल्ड स्वेलोड. व्हाट हैड द चाइल्ड स्वेलोड, SWALLOWED, स्वेलोड, बच्चे ने क्या खा लिया था. सो द चाइल्ड हैड स्वेलोड, अगेन वी विल टेक द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ओनली. द चाइल्ड हैड स्वेलोड द पीनट. ओके सो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हम एस को निकाल देंगे. सो बच्चे ने पीनट खा लिया था. ओके हु वॉज कॉल्ड वेन द चाइल्ड हैड स्टमक एक, ACHE, एक का मतलब भी दर्द ही होता है, पेट दर्द. बच्चा जब पेट दर्द से सफर हो रहा था तो किसको बुलाया गया. द डॉक्टर वॉज कॉल्ड वेन द चाइल्ड हैड स्टमक एक. सारा क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको खाली शुरू में लिखना है द डॉक्टर. ओके नंबर फोर, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस फॉर द चाइल्ड. सो डॉक्टर ने बच्चे के लिए क्या एडवाइस किया. ओके बीमारी का क्या इलाज बताया. द डॉक्टर एडवाइज फॉर एन ऑपरेशन. सो डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बच्चे को ऑपरेशन के लिए बताया. ओके वेयर वर ऑल द पीनट्स रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड स्टमक. क्या सारे पीनट्स को निकाल दिया गया था. यस ऑल द पीनट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड स्टमक. सो यस ऑपरेशन के बाद बच्चे के पेट में से सारे पीनट्स निकाल दिए गए थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है. ओके चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व वन मोर पैरा. ओके एक और भी हम पैसे सॉल्व करेंगे. वापस से बहुत ध्यान से सुनिए किस तरह से रीड करना है समझना है. सो एक्सरसाइज 8B, माई लिटिल किटी. सो दिस बेबी कैट, सो ब्यूटिफुल कैट, हर नेम इज किटी. ओके दिस इज माई लिटिल किटी, यह मेरी प्यारी प्यारी किटी है. हाउ सॉफ्ट एंड वाइट इट्स फर इज. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, कितनी इसके सॉफ्ट एंड वाइट फर है. फर मतलब क्या होता है, FUR, फर. एनिमल के जो शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं ना, एकदम स्मूथ सॉफ्ट एकदम व्हाइट कलर के जो बाल है, बालों को फर कहा जाता है. ओके चिल्ड्रेन उसके शरीर पूरे बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम फर बोलते हैं. सो यहाँ पे इस किटी के सॉफ्ट हेयर एंड व्हाइट फर बहुत प्यारे हैं. इजंट इट प्रिटी. सो ऐसा पूछ रहे हैं कितनी सुंदर है ना. ऐसे द कैट इज ऑन द बॉक्स. सो ये कैट कहाँ बैठी है, ऑन द बॉक्स. शी सॉ अ बिग रैट एंड रैन टू कैच इट. सो किटी ने इसने एक बड़ी सी रैट को देखा और उसको उसको पकड़ने के लिए भागी. रैन टू कैच इट, रैन मतलब भागना और कैच मतलब पकड़ना. सो चूहों बिल्ली को तो चूहे बहुत पसंद है और जैसे ही किटी ने बड़ी सी रैट को देखा वो उसको भागने के लिए उसको पकड़ने के लिए भागी. ओके माई किटी वॉज टू स्मॉल टू कैच द रैट. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरी किटी तो बहुत छोटी है वो रैट को नहीं पकड़ पाए. ओके इस तरह से इसको पहले रीड कर लिया हमने, अब इसके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. व्हाट इज द कलर ऑफ किटीज फर. सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है
किटी के फर का कलर क्या है. फर मतलब उसके हेयर्स, उसके बॉडी के ऊपर जो, उसके शरीर के ऊपर जो बाल है उसको फर कहते हैं. सो आंसर हम क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ के आई डबल टी वाई एपोस्ट्रोफी एस, किटीज फर इज वाइट. मतलब किटी के फर का रंग व्हाइट है, ऐसा आंसर बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैट सिटिंग ऑन. सो ऐसा पूछा गया है, कैट किसके ऊपर बैठी है. सो द सी ए टी कैट इज एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग ऑन द बॉक्स. सो किटी बॉक्स के ऊपर बैठी है. What did the cat see? So cat ने किसको देखा. The cat, see का past tense क्या होता है. Okay, see. So S E A C. Children, यहां पे spelling mistake है. There is no mistake, I think, right? So see का past tense क्या बन जाएगा. Saw. S A W saw. The cat saw the big rat. The cat saw the big rat. Okay. Next question. Did kitty catch the rat? No. Question में ऐसा पूछा है, क्या kitty ने rat को पकड़ा. No. Kitty did not catch the rat. Catch the rat. ओके, समझ आया कैसे लिखना है आपको आंसर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिव अ नेम टू किटी. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, किटी को एक नाम दीजिए. आपको जो भी नाम अच्छा लगता है आप उसको नाम दीजिए. सो आई विल गिव किटी नेम पुजी. सो पी यू डबल एस वाई पुजी. ओके, इस तरह से हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने होते हैं. जो भी कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है पहले आप उसको ध्यान से रीड करिए, देन उसके दिए गए क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए. सो नाउ देयर आर टू मोर स्टोरीज, और भी दो स्टोरीज हैं, आपको इनको सॉल्व करना है. दीज टू यू कैन डू इन अ प्रैक्टिस. आपको ये दो अगर आप करते हैं सॉल्व, यू विल गेट द प्रैक्टिस. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ अवर फर्स्ट टर्म. ओके चिल्ड्रन, सो एग्जाम में आपको कोई भी पैसेज आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी बुक में से आएंगे. आपको छोटी सी कोई भी स्टोरी आ सकती है जिसको आपको पढ़ना होगा और उसके दिए गए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना होगा. यू कैन प्रैक्टिस दीज टू. आप टेस्ट बुक के ये दो सॉल्व करिए, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा. सो टेक केयर, बाय बाय.